बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस्मित के साथ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में आप शामिल करते हैं, मैं रानी सद अली। हमारा ये प्लान बन रहा है कि हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि मेरे पास लैंड है अबाउट न्यू बर्ड। सबसे पहले उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। कुछ सफाई जो है वो हमने कर ली थी, लेकिन उसके लिए जो वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें चाहिए सामान, तो सबसे पहले जाके लेके आते हैं सामान और साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि करंट रेट्स जो है वो क्या चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का सामान लेने के लिए हम कैरी बॉक्स पे जाएंगे। कैरी बॉक्स के अंदर जितना सामान आ सका हम उसमें ले आएंगे। असद साहब सोच रहे हैं सामान लेके आने का, तो सामान किस पर्पज के लिए चाहिए वो देख लें आप। मेरा प्रोग्राम है कि ये वाली जगह जो है इसको सारे को बंद किया जाए, वो और मुर्गा जो है वो इस पोर्शन के अंदर बंद किया जाए। लेकिन ये एक पुराना स्टोर नुमा कमरा बना हुआ था जिसके अंदर कूड़ कबाड़ काफी सारा पड़ा हुआ है, और असद साहब जो है इस वाली चीज को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि अगर इस कॉर्नर से सबके परिंदे उस तरफ चले गए तो वहां से वापसी उनका कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा सामान पड़ा हुआ है स्क्रैप वगैरह, और इसको उठाएगा नहीं जब तक उस तरफ से दीवार ओपन नहीं करेगा, तब तक वहां से कुछ निकाल नहीं सकेगा। तो मेरा आइडिया ये है कि ये वाली जो दीवार है इसको बंद किया जाए किसी चीज से। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? इट्स फाइनल है ना आसिम, सही कह रहा हूँ ना मैं? इधर हमारे पास ये वाली शीट्स जो है ना, ये वाली बेड की, ये पड़ी है फालतू फिलहाल, मतलब ओपन है बेड तो फालतू है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आप नहीं बनवा देना हमें, ठीक है? तो ये वाली एक शीट, हाँ ये चीज, ये वाली एक शीट उठाते हैं, वो वाले कॉर्नर में सीधी खड़ी करके की लगा देते हैं, ठीक है? पक्का बंद, सही है। उससे पहले बुला करना जो पाइप उस तरह रखा हुआ ना उसको सीधा करें ना पहले, बस इतना सा काम। ये काम तो इस तरह कर लेंगे आप? मैं नहीं, भजमन ने बेड का फट्टा जो है वो अंदर एडजस्ट कर दिया। मावे साहब जो है वो छत पे चढ़ गए छत की सफाई करने के लिए। आसिफ साहब जो है वो केज के अंदर से ईंटें निकाल रहे हैं, क्योंकि केज के अंदर भी जो है वो काफी सारा हमें चेंजिंग करनी है। अभी केसर की जो दौड़ थी वहां तक के लिए वो हमने बचा ली है थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके। इंटेलिजेंट जो सामान अंदर से बाहर निकाला था उसमें से काफी सारे कील जो बाहर निकले, वो सारे मैंने इस बैटरी के ऊपर जो है वो रखवा लिए थे, इकट्ठे करवा लिए थे। अब यही जो कील आई है इस्तेमाल होंगे इस जगह को बंद करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया हमारा ये पिंजरा। तो आप क्या किया वो तो दिखा के है ना पहले हमें। उधर के काम के लिए चक्कर जो है वो बच गया, तो इधर के लिए हमें टाइम मिल गया, इसलिए हम यहाँ की सफाई जो है वो नीचे वाली वो भी आज ही कर लेते हैं। अभी चलते हैं केज वाली साइड पे, केज के अंदर का जो काम है वो वाला कर लेते हैं। केज के अंदर से हमें ये करना है कि ये वाला जितना भी पोर्शन है इसको जो है वो हमें यहाँ से उठाना है, क्योंकि ये था बटेरों के लिए और मुर्गों के लिए। अब बटेरे और मुर्गे जो है वो यहाँ से हो रहे हैं शिफ्ट दूसरी जगह पे, तो इसलिए ये वाला पोर्शन जो है सारा इसको हम करेंगे खाली, ताकि बजीज जो है वो अपना आराम सुकून से इंजॉय कर सकें। मावी साहब को जो है वो मिट्टी से स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही मावी, तो सफाई करनी थी ना टाइम पे, पहले ना सफाई करते थे, इससे स्मेल आना शुरू होगी। देख लो तोतों को कितनी स्मेल आती होगी। अभी सुबह की है, स्मेल आ रही है, इनका ये इतनी सफाई करते हैं इनको स्मेल आ रही है, क्या है कोई स्मेल आ रही है। मट्टी तुड़ी और जो दानों का सामान था वो सारे इकट्ठा करके एक इस बॉक्स के अंदर आ गया, और कुछ जो है इस बॉक्स के अंदर आ गया। मावे के दोस्त भी आ गए उसकी हेल्प करने के लिए, और मावे साहब खुद जो है वो बर्ड पकड़ के बैठ गए। ये हमारा छोटा सा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, ये हमसे गिर जाता है, इसकी मम्मा वो कुछ ही के अंदर। अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया, अभी मुर्गे भी जो है वो बंद करने हैं हमें नई जगह पे। केज के अंदर जो है वो सफाई होने वाली, लेकिन ये कभी इसके अंदर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। सामान निकलने के बाद केज जो है वो बहुत खुला डुला हो गया हमारा, अभी जो है वो इसमें खूब इंजॉय कर सकते हैं बर्ड, लेकिन ये जो बटेरे हैं इनको भी जो है वो जरा बाहर निकालना पड़ेगा हमें भी। कल सफाई करते हुए यहाँ तक हमने सफाई कर ली थी, सफाई करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, रमजान मगरिब के बाद जब फिर हमने काम अपना स्टॉप कर दिया था, अभी जब दोबारा से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और सबसे पहला काम ये करेंगे जो बाहर की सफाई थी इसको जरा कंप्लीट कर दें, ताकि ये वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो जाए। ये बहुत ही अजीब लग रहा है और बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से गुजरना आते जाते बच्चों ने भी इधर खेलना होता है, तो इसलिए सबसे पहले इसको साफ करते हैं। उसके बाद फिर ये सामान अंदर से उठाया था, इसके अंदर काफी सारे दाने, इसको हम उधर फेंकेंगे ताकि मुर्गे जो है वो इसको खा सके। और हमारी ये वाली मुर्गी जो है ये खाना शुरू हो गई है मट्टी। ज़ारा क्या कर रहे हो, हैं बाहर खानी ज़ारा ने? अब्दुल्ला साहब जो एक्सेस कर रहे थे और गिरे हैं, क्या वो अब्दुल्ला को किधर हुई है, कैसे हुई है? आप क्या कर रहे थे बताओ ना जरा मुझे, क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे आप? झूले ले रहा था इसके ऊपर ऐसे नहीं करो फिर से गिर जाओगे, गिर जाओगे फिर से, नहीं करो।
फाइनली मावे साहब ने जो है ये वाला काम भी कंप्लीट कर दिया। थोड़ी मट्टी और दाना जितना भी था मिक्स, वो जो चाया था वो हमने इधर भी खेर दिया, और जो इधर से मट्टी और रोड़े वगैरह ये दूसरा जो गंद था वो हमने इसके अंदर डाल दिया। जहाँ से हमने केज के लिए मट्टी उठाई थी वहाँ पे जो हम ये वाली मट्टी फेंक देंगे। चले साहब जो बराबर हो जाए उनके साथ। आधी मट्टी जो है वो हमारी ज़्यादा खाती जा रही है। आपको कितनी बार उधर भेजा, फिर आ जाते हो आप? और अभी टाइम आ गया केज के अंदर के काम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केज के अंदर पानी और दाना वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, बर्ड्स जो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये कल कुछ पोर्शन रहेगा तो यहाँ से सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो आज यहाँ से करते हैं सफाई। उसके अलावा ये ईंटें उठाएंगे यहाँ से। ये वाला बर्ड बेचारा जो है वो लगता है जैसे वक्त से पहले कुजी से बाहर आ गया, और बेचारा जो है वो अब कहीं जा ही नहीं पाता। इसको मैंने कल कुजी में रखा भी था लेकिन सुबह तक जो फिर बाहर गिरा हुआ था। बेचारा अकेला ही नीचे घूमता रहता है, बाकी सारे जो है वो ऊपर उड़ते रहते हैं, और इसको जो है वो कोई लिफ्ट नहीं करवाता। ये बटेरा और मावे जो है इसकी लड़ाई लगी रहती है। बटेरे को डस्टबिन में डाल दो, तो फिर बाहर आके सही से डालो ना। माविया हार गया। काम कर रहे हैं माविया और पसीना जो है वो मुझे आता जा रहा है। काम शाम कंप्लीट होता है फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जाते हैं कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि कटिंग जो है वो भी लाजमी होने वाली है। काफ़ी टाइम हो गया वो कटिंग का, कल करते जब काफ़ी पोस्टपोन हो गया। आज इंशाल्लाह जाकर जब सरप्राइज़ देते हैं हम लोग, उस लड़के को सरप्राइज़ देते हैं जिससे जो है मैं घर में कटिंग करवाया करता था, उसके पास उसकी शॉप पे जाके कटिंग करवाते हैं। आपका नाम क्या है? आप क्या कर रहे थे? नहीं कर के आयो आप? हाँ कुकू बाहर है। बाकी क्वेश्चन बाद में, पहले कुकू कहाँ पे ये बताएं, क्योंकि इसको भी एक बार पढ़ चुकी है। कुकू का दुश्मन है ये भी। आप ही लड़ाई हुई थी कुकू से? आप ही लड़ाई हुई थी कुकू से? किधर हुई थी? इधर। ओ ये कुकू के साथ लड़ाई हुई थी। अब लड़ाई मेरा तो ये बना था कि हम लोग जाके शॉप से कटिंग करवाएंगे और बकर को ज़्यादा सरप्राइज देंगे, क्योंकि हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग बाइक पर जाएंगे, लेकिन फिर हुआ कुछ क्योंकि भाई शौकत से मेरी लगी क्लास, तो बाइक पर बैठने की वजह से क्लास लगी, तो उसकी वजह से जब वो प्लान ये किया कि हम लोग जब घर में कटिंग करवाते हैं। अचानक से प्लान बना कि हम लोग जब टिंडी करवा लेते हैं। हम लगे यार मावे की भी टिंडी हुई है ना मावी, सही कर रहा हूँ ना? यस। तो ठंडे ठंडे गुजरेंगे इसी तरह, बड़ी सही लग रही है। सही है, मुझे आपने बकरा समझा है। कटिंग करवाने के बाद मैं नहाने के लिए चला गया था, और नहा के भी बाहर आया हूँ, बहुत ही पुरसकून फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जो है वो हल्का हल्का फील हो रहा है। इवन कुछ लोग जो है यकीन कमेंट करेंगे कि ये क्या बाल अच्छे खासे थे आपके, एवं आपने ट्रिंट करा ली, ये करा ली, वो करा ली, जबकि हकीकत ये है कि इंसान जो है वो हमेशा से सुकून का मुतलाशी होता है, और इस हेयर स्टाइल के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून फील हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है, सो मुझे तो काफ़ी पसंद आया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें आप, और उन लोगों के लिए लाजमी दुआ किया करें जिन लोगों की जब वो तबीयत ख़राब होती है, किसी न किसी मुश्किल में होते हैं, वो अल्लाह ताला जब उनकी मुश्किलात आसान फरमाए और हमारे लिए बेहतरी वाले मामला फरमाए। सदा खुश रहें आप। अल्लाह हाफिज़।